वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जिन्हें पुरानी चोटें लगी होती हैं तो कुछ समय बाद उस चोट के स्थान पर दर्द होने की समस्या जो है कई लोगों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है, जो पुरानी चोटों का दर्द होता है, आज हम डिस्कस करेंगे कि पुरानी चोटों के दर्द में हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस यूज कर सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि पुरानी चोटों के दर्द में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस उपयोगी हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पुरानी चोटों का दर्द, जैसे कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, उस स्थान पर दर्द होना, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे जो है दर्द होना, किसी के जॉइंट में जो है कहीं वो टकरा गया उसमें दर्द होना, किसी का कभी ऑपरेशन हुआ था उस स्थान पर दर्द होना, महिलाओं की जो सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है तो उस स्थान पर कमर में दर्द होना, किसी को कभी कोई इंजरी हो गई थी या कोई चीज़ चुभ गई थी उस स्थान पर दर्द हो जाना, तो इस प्रकार की जो चोट की जो समस्याएं होती हैं, इस प्रकार की जो चोटें होती हैं वहाँ पर उस स्थान पर जो है दर्द होने की समस्या होना एक आम बात है। ऐसे स्थान पर जहाँ पर कभी इंजरी हुई थी, पुरानी चोट लगी थी, ऐसे स्थानों पर जो है दर्द होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में जो पुरानी चोटों के दर्द, क्रोनिक इंजरी के ट्रीटमेंट में बहुत बढ़िया काम करती हैं। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो अर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों अर्निका मोंटाना पुरानी चोटों के दर्द में बहुत ही असरकारक होम्योपैथिक मेडिसिन है, और कोई भी व्यक्ति जिसे कभी ब्लंट इंजरी हुई थी, ब्लंट इंजरी उसे कहते हैं जैसे कि किसी को किसी ने डंडा मार दिया और ब्लीडिंग नहीं हुई, किसी प्रकार की जो है चोट नहीं लगी, बाहरी चोट नहीं लगी, बट इंटरनल जो इंजरी कहा जाता है उस प्रकार की समस्याओं में ऐसे स्थान पर जो है दर्द होने पे अर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन जो है दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। इसके अलावा दोस्तों, चोट लग जाने पर जो है इंटरनल जो है ब्लीडिंग हो जाना, ब्लड का इकट्ठा हो जाना, इसे हेमाटोमा भी कहते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं में अर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है, और जो वहाँ पे जिस स्थान पर ब्लड कलेक्शन हो जाता है उसे भी जो है फोड़ कर उसे जो है उस थक जमे हुए थक्के को ख़त्म करके दर्द में आराम देने में बहुत बढ़िया काम करने वाली होम्योपैथिक दवा है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ दोस्तों तो ब्रानिया अल्बा। दोस्तों, ब्रानिया अल्बा स्पेशली जॉइंट्स पर जो है बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है। अगर किसी व्यक्ति के जॉइंट्स में जो है चोट लग गई है और उस पुरानी चोट के कारण जो है जॉइंट्स में कंप्लेन हो रही है, इस प्रकार का दर्द हो रहा है जो केवल जो है रेस्ट करने पर जो है कम रहता है और चलने फिरने पर जो है बढ़ जाता है, और ऐसे स्थान पर फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रानिया अल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, और बहुत बढ़िया काम करती है। और ब्रानिया अल्बा ऐसी कंप्लेंस जैसे कि वेदर चेंजेस हो जाने के कारण जो है चोट में दर्द होना, इस प्रकार की कंप्लेन में काम करने वाली बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि मौसम बदलने पर भी इस प्रकार की चोटों में जो है दर्द होने की समस्या होती है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रानिया अल्बा बहुत ही बढ़िया काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी ऐसी चोट, पुरानी चोट, किसी हिस्से में चोट लगी थी, अब वो अंग जो है प्रॉपर काम करना बंद कर दे रहा, जिसे कहते हैं पैरालिसिस, तो पुरानी चोट के कारण जो है किसी अंग का जो है पैरालाइज्ड होने लगना, सुन्न पड़ जाना, ये मोस्टली होता है नर्व की जो है अफेक्शन के कारण, क्योंकि कभी भी किसी भी अंग में जब लकवे की समस्या होती, पैरालिसिस की समस्या होती, तो कहीं ना कहीं नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत बढ़िया काम करती है और अपना असर दिखाती है।
इसे भी कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में जो हम ले सकते हैं उस पेशेंट को दे सकते हैं, और 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम ऐसे पेशेंट को देने पर आराम मिलता है। अब नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ दोस्तों, हाइपैरिकम। हाइपैरिकम स्पेशली दोस्तों ऐसी चोटें जो नर्व इंजरी वाली होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हाइपैरिकम बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया कि ऐसी महिलाएं जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है, तो सिजेरियन सेक्शन में मोस्टली ये देखा जाता है कि एनेस्थीसिया के लिए रीढ़ की हड्डी में जो है इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो इसके कारण ऐसी महिलाओं में कमर दर्द की समस्या होना एक आम बात होती है। तो दोस्तों ये जो दर्द होता है मोस्टली नर्व अफेक्शंस के कारण होता है, नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है, तो ऐसी कंडीशन में हाइपैरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत बढ़िया काम करती है। स्पेशली नर्व जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे हाइपैरिकम बहुत अच्छा काम करती है, और इसे भी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों रश टॉक्स होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों लिगामेंट और जो टेंडन्स होते हैं, मसल्स होती है, उस पर बहुत अच्छा काम करने वाली होम्योपैथिक दवा है। दोस्तों ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ऐसे लोगों में अक्सर स्प्रेन की कंडीशन देखने को मिलती है कि मांसपेशियों का खिंच जाना, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, और ये दर्द जो है बार बार जो है कुछ साल बाद भी जो है होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करते हैं और जब उनकी बुढ़ापे का समय आने लगता है तो ये जो समस्याएं हैं उनकी दर्द की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में रश टॉक्स होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत बढ़िया काम करती है, और रश टॉक्स 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद इस प्रकार के पेशेंटों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें दोस्तों रूटा। रूटा जो है लिगामेंट टेंडन्स में काम करने वाली बहुत बढ़िया दवा है। स्पेशली इन स्थानों पर चोट लगने के बाद जो है ट्यूमर यानी गैंग्लियन टाइप का जो होता है वो अगर बन जाता है और उन स्थानों पर दर्द होता है तो रूटा जो है बहुत बढ़िया काम करती है। इन ट्यूमर्स को भी गलाने में बहुत बढ़िया मदद करने वाली दवा है, और इनके साथ कैल्केरिया फास्ट 3x होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में अगर हम अपने पेशेंट को देते हैं, 4-4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया काम हो सकता है दोस्तों, और हमें हमारे पेशेंट को आराम मिल सकता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ दोस्तों सिम्फाइटम होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनका फ्रैक्चर हुआ था और उस पुराने जो फ्रैक्चर की जगह पर जो है दर्द होने लगे, हड्डियों में दर्द, जो पुरानी हड्डियों की चोट होती है उसमें दर्द होने लगे, तो यहाँ पे सिम्फाइटम होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रकार की कंडीशंस में बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है। इसे भी जो है मदर टिंचर फॉर्म में भी अपने पेशेंट को दिया जा सकता है, और 30 पोटेंसी में भी अपने पेशेंट को हम दे सकते हैं, 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में, आधे कप पानी में अपने पेशेंट को दे सकते हैं, और ये मदर टिंचर में भी काम करने वाली बहुत बढ़िया दवा है। स्पेशली पुरानी चोटें स्पेशली जो हड्डियों में होती हैं उसमें सिम्फाइटम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। नेक्स्ट और लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की अब बात करूँगा, बैलिस पेरेनिस होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन डीप मसल इंजरीज में बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरी भाषा में अगर बात करें तो ऐसे लोग जिनका ऑपरेशन हुए होते हैं, बड़े ऑपरेशन हुए होते हैं, सिजेरियन सेक्शन भी उसमें आता है, उसके बाद यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, और इन मांसपेशियों में अगर दर्द होने की समस्या जो है लगातार बनी रहती है, ऐसे पेशेंट आते हैं कि जब से हमारा ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से जो है हमें जो है ये दर्द बना हुआ है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन में भी दोस्तों बैलिस पेरेनिस होम्योपैथिक मेडिसिन आराम देती है, और इसे 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए इस प्रकार के जो नए वीडियोस लाते हैं जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके पेशेंट भी स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।